हाँ जी, एनी डाउट? नो ओके जी, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 36। ठीक है, 36 से 51 तक हम इसे देखेंगे मैम, 47 तक इसमें। आपने करा दिया। एक्चुअली उस दिन बेटा क्या हुआ था कि सम स्टूडेंट्स मिसिंग थे, तो मैं आपको ये रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो जब नेक्स्ट, क्योंकि डीपीएस हमने फंडामेंटल राइट्स से हैं जो, वो बहुत बार, क्योंकि मोस्टली जो आपके सिलेबस में है उस स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका इसके रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे आ जाए हैं तो उन्हें भी ये क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास है आर्टिकल 36। ठीक है, जो आर्टिकल 36 है कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन देती है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, हमारी जो पार्लियामेंट है इंडिया की उसके बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, जो हमारी इंडियन इंडिया है उसमें कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उस सभी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और जो हमारी लेजिस्लेटिव है, स्टेट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो चाहे लोकल अथॉरिटीज हैं, इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, ठीक है, सभी के बारे में जो आर्टिकल 36 है उसमें एक्सप्लेन किया गया। ठीक है जी, जैसे कि मैं आपको मोस्टली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। और जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज, ठीक है, फॉर ऑल इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट विच इज कंट्रोल ओवर स्टेट। ठीक है, जैसे कि हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो है हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री, ठीक है, मोदी, नरेंद्र मोदी। और जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मान ले के हमारे पंजाब की है, वो है हमारी कैप्टन अमरिंदर की सरकार। ठीक है जी, नेक्स्ट है देखो, हमारे पास आर्टिकल 37। देखो, इसमें हम आर्टिकल 36 फ्रॉम थर्टी आर्टिकल 51 तक एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास आर्टिकल 37। ठीक है, 36 में हमने देखा कि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 37 में हम देखेंगे मेंटेन द टू, इसमें जो आर्टिकल 37 में, इसमें मेंशन द टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन कौन सी हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, कि हमें कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो हमें इनफोर्स करे। ठीक है, हमें इस बात के लिए फोर्स करे कि आप अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो उनको निभाना ही है। ठीक है, सेकंड है एंड दे आर वेरी बेसिक एंड इसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। देखो, इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारी जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन सिटीजन है, उन सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बट ये जस्टिफाइबल नहीं। ठीक है, इनकी उल्लंघना करने पर हमें कोई भी लॉ कानून हमें, ठीक है, कोई भी हमें पुनिशमेंट नहीं देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 38। देखो, ये बात ध्यान से हम अपनी नोटबुक्स पर भी राइट डाउन करते जाओ। जो हमारा आर्टिकल 36 है वो हमारी स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, जो 37 है, ठीक है, वो हमें ये बताता है कि अगर, ठीक है, जो हमारे राइट डीपीएसपी हैं, ठीक है, हमें कोई भी कोर्ट या लॉ इन्फोर्स नहीं करता है, ठीक है, कि आप इनकी जो पालना करो ही करो, एंड जो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन इस जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इसेंशियल है, उसके लिए कंपल्सरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 38।
ठीक है, आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इसमें थ्री जस्टिस की बात की है कि हम सभी जो इंडियन हैं, ठीक है, हमें सोशली जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे जो सोशली अधिकार हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल हैं और इकोनॉमिक जस्टिस हैं, पॉलिटिकल मींस के हम जो वोटिंग वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इलेक्शन लड़नी है तो वो लड़ सकते हैं। हमारे पास, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं होगा। ठीक है, और जो इकोनॉमिक जस्टिस है, देखो हम इकोनॉमिकली डिपेंड करते हैं अपने आप पर। ठीक है, कि हम किसी भी फील्ड में जाकर, चाहे वो एजुकेशन फील्ड है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है, हम अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कानून का कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है कि हमने ये काम नहीं करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 39 मेंशन ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी विच इज मस्ट बी फॉलोड। इसमें जो पॉलिसी है हमारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें सभी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जैसे कि ऑल द मैन वुमेन एंड सिटीजन शुड हैव द राइट टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल हैं, वो चाहे मैन है, वुमेन है, ठीक है, मीन्स मेल है, फीमेल है, कोई भी सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, चाहे वो छोटा बच्चा तक है, ठीक है, सभी को जीने का अधिकार है। ठीक है, ये जीने का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से जहां रहे रह सकता है, खाने पीने का अधिकार है, ठीक है, रहने का अधिकार है, ठीक है, ट्रेवल करने का अधिकार है, ये सभी इसमें लिवलीहुड में आ जाते हैं। द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ पीपल ओवर एनी मटीरियल रिसोर्सेज अंडर द कम्युनिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट इज फॉर द कॉमन गुड्स ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो इसमें ये बात बताई गई है कि आपके पास जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ठीक है, आपका घर है, ठीक है, आपका फर्नीचर है, ठीक है, उस पर आपकी ओनरशिप है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि उस पर आपका, आपकी खुद की ओनरशिप है। ठीक है जी, तो अगर आप उसे, इसका ये मतलब भी है कि उस पर आपका अधिकार है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो बाय चांस, ठीक है, आपने किसी की, मान लो किसी को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है, जब आपसे किसी ने पैसे वगैरह उधार वगैरह लिए, ठीक है, तो वो आपसे वो चीज छीन रहा है, तो इसमें कोई भी लॉ या कोर्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है, तो उस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी आपको, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपको कोर्ट या फिर जो लॉ है वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 41। ठीक है जी, आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट वेलफेयर गवर्नमेंट। ठीक है जी, वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो लोगों को, ठीक है, इट सेज दैट स्टेट शेल है शेल मेक सम इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबल्ड और एनी अदर केसेस एक्टिंग इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देगी। ठीक है, जो ओल्ड एज हैं लोग हैं, ठीक है, उनके पास रहने को, खाने को नहीं है, तो उसे वो प्रोवाइड करवाएगी। और जो डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड का मतलब है कि जो लोग अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, देखो अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ओल्ड एज हैं और हम डिसेबल्ड हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती है, तो अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम किसी भी कोर्ट और लॉ का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि सरकार की तरफ से हमारी हेल्प नहीं की गई है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये लाइन इसलिए रिपीट कर रही हूं कि देयर
इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनकी निखेधी करती है, तो उसके लिए कानून है, कोर्ट उसकी हेल्प करती है, हम रिट्स भी उसके अगेंस्ट रिट्स पा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसी कोई भी ना तो कोई कानून है ना ही कोई कोर्ट हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, एक आर्टिकल 41 में है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए वेलफेयर होगी, लेकिन अगर वो वेलफेयर नहीं है तो हमारे पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन कर सके। ठीक है जी, हाँ जी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 42। हाँ जी, आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है 42 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये हमें बताती है, ठीक है, कि हमें जो ह्यूमन वर्क है वो करना चाहिए। ह्यूमन वर्क का मतलब है कि इट सेज दैट स्टेट शेल क्रिएट सम प्रोविजंस सो दैट सिटीजन गेट इजी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्किंग, इट शेल आल्सो प्रोवाइड मटर्निटी लीव फॉर द वुमेन। ठीक है, तो ह्यूमन वर्क का मतलब है, देखो ह्यूमन वर्क में आ जाता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई कोई ओल्ड एज है या कोई कोई फिजिकली हैंडीकेप्ट है, तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन वर्क है। ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ का क्या मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है, अगर वो वुमेन है, ठीक है, फीमेल है, ठीक है, उसे बेबी वो बेबी उसे बेबी होने वाला है, तो सेक्टर की तरफ से, उसके डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, उसे एक मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, मीन उसे छुट्टी दी जाती है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इस प्राइवेट सेक्टर में इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें 6 मंथ्स के लिए मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 43। ठीक है, आर्टिकल 43 है जो हमारे पास फेयर वेजेस एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल 43 है, ठीक है, इट सेज दैट द स्टेट कैन टू सिक्योर बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क के लिविंग बेस कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, ठीक है, जो वेजेस हैं वो उसे फिक्स किया जाता है। ठीक है, देखो हमारे जो कोई भी सेक्टर है उसमें वेजेस को, देखो जो वेजेस हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर वो कोई लेबर का काम कर रहा है, ठीक है, इसमें सारे ही वर्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो वेजेस के जो हॉर्स हैं वो 8 हॉर्स ही वो फिक्स किए गए हैं, उससे ज्यादा हम किसी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर वो 8 और से ज्यादा काम करेगा तो वो एक ओवरटाइम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल 43 है इसमें ये डिफाइन किया गया है, ठीक है, को जो भी काम करते हैं वो किसी भी एरिया में है, ठीक है, उसे वो जितना काम करते हैं उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग, उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उसे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है कि, देखो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम अगर वेल एजुकेटेड हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जॉब है जो ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे स्टैंडर्ड को, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उसको कोई
डैमेज कर रहा है, तो हमारे पास कोई लॉ या फिर कोर्ट की तरफ से कोई भी, हमारे पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, जो हमें वो कह सके कि हाँ ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनकी नखेधी कर रहा है। ठीक है जी, देखो बेटा मैं बार बार ये बात इसीलिए आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास कोई भी लॉ या फिर कोई भी कोर्ट ऐसी नहीं है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेव कर सके, ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हैं, वो हमारे पास जस्टिफाइबल हैं, ठीक है। अगर उनकी कोई उल्लंघना करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उन्हें पुनिश किया जाता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की में इसका ऐसी कोई भी, ना ही कोई लॉ ना ही कोई कोर्ट, वो इसकी जो हमारे पास परमिशन है वो नहीं देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 47। देखो आर्टिकल 47 है वो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ की बात करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारे जो सभी भारतीय हैं उन्हें खाने के लिए, जो रहने के लिए, सभी के पास